हेलो एवरीवन, आज मैं बना रही हूँ छोले भटूरे। छोले भटूरे बनाने के लिए यहाँ मैंने 1 किलो मैदा लिए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ सूजी। मैं करीबन इसमें 5 चम्मच सूजी डालूँगी, ये छोटी वाली चम्मच है। एक छोटी चम्मच मैं डाल रही हूँ इसमें चीनी, 1 पिंच मीठा सोडा, स्वाद अनुसार नमक, चार चम्मच में यहाँ दही डाल रही हूँ। मोरण के लिए डाल रही हूँ मैं रिफाइंड ऑयल, ये बड़ा 1 चम्मच है। इस तरह इसे हाथ से मल ले। मैं पहले इसमें भटूरे का आटा लगा के दिखा रही हूँ, छोले हम इसके बाद बनाएंगे। चलिए अब इसमें मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको गूंथ लेती हूँ। इस तरह भटूरे का आटा लगा के तैयार कर ले। आटा अच्छे से फूल जाए इसलिए मैं गीला कपड़ा लगा के रख दूंगी। चलिए अब छोले बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने छोले लिए, इनको मैंने 5 घंटे के लिए भिगो के रखा था। अब इसको हम बॉईल करेंगे। मैं इसमें डाल रही हूँ नमक, छोलों को हम बॉईल होने के लिए रख देते हैं। चलिए अब छोले बनाने के लिए यहाँ मैंने टमाटर लिए, इनको मिक्सी जार में डाल के इनको पीस लेंगे। मैंने इसमें 8 टमाटर डाले छोटी साइज़ में। अब मैं इसमें डाल रही हूँ लहसुन। तीन छोटी साइज़ के छोटे छोटे अदरक के टुकड़े। इन सब चीज़ों को अच्छे से पीस लेंगे। ये देखिए टमाटर की प्यूरी मैंने बना लिए। ये देखिए कुकर में से मैंने उबले हुए छोले निकाल लिए। ये जो उबले हुए छोलों का पानी है इसमें हम डालेंगे अब चाय पत्ती। मैंने यहाँ छोटी 5 चम्मच चाय डाली है। अब चाय को अच्छे से पका लेंगे।
तेल गरम हो गया है, मैं इसमें डाल रही हूँ तेज़पत्ता, दालचीनी का टुकड़ा, एक बड़ी इलायची, एक छोटी इलायची, चार काली मिर्च, दो लौंग, जीरा, हींग, जो हमने टमाटर की प्यूरी बनाई थी वो डालेंगे। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्लेम को थोड़ा हाई करेंगे। ये देखिए 10 मिनट हमारे हो गए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और अच्छे से मिक्स करेंगे। एक बड़ी हरी मिर्च, अब मैं इसमें डाल रही हूँ छोले, इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। छोलों में मसाला अच्छे से मिक्स हो गया है। मैं इसमें डाल रही हूँ जो हमने चाय का पानी उबाला था वो, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। उबालते वक्त हमने छोलों में नमक डाला था, उस अकॉर्डिंग इसमें नमक डालेंगे। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच गरम मसाला, अब इसमें मैं डाल रही हूँ हरा धनिया, ये देखिए आटे को 2 घंटे हो गए। इसको एक बार और अच्छे से मल लेंगे। ये देखिए इस टाइप का आटा हमें चाहिए। चलिए अभी इसकी छोटी सी लोई बना के तैयार करते हैं। तैयार कर लिए इस तरह से, इस पे सूखा आटा लगाएंगे। इस तरह से बटोरे को बेल लेंगे। इस तरह से इसमें राउंड शेप देंगे। तेल गरम हो गया है, अब इसमें मैं डाल रही हूँ भटूरा। इस तरह से चारों तरफ से दबा के इसको हिला ले। इस तरह करके इसे कॉर्नर से भी सेक ले।
ये देखिए फूला फूला भटूरा हमारा बनके तैयार है। अब इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए ढाबा स्टाइल छोले भटूरे हमारे बनके तैयार है।